Hello friends, I am here with my channel Solving Questions with Gauri Ma'am. नीट यूजी बायोलॉजी के 2018 के पेपर से एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं. गोल्गी कॉम्प्लेक्स पार्टिसिपेट्स इन सेल बायोलॉजी से क्वेश्चन है. क्वेश्चन फ्रॉम द सेल बायोलॉजी अबाउट गोल्गी कॉम्प्लेक्स. गोल्गी कॉम्प्लेक्स पार्टिसिपेट्स इन ऑप्शंस आर रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया. ऑप्शन बी इज फॉर्मेशन ऑफ सिग्रेटरी वेसिकल्स. ऑप्शन सी इज फैटी एसिड ब्रेकडाउन एंड ऑप्शन डी इज एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स. सो लेट्स सी व्हाट इज द आंसर. स्टार्टिंग विद द फर्स्ट ऑप्शन द रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया. तो यहां पर जो रेस्पिरेशन की बात की जा रही है वो है सेल्युलर रेस्पिरेशन. बैक्टीरियल सेल होती है प्रोकैरियोटिक सेल. अभी लॉजिकली आप अगर सोचो तो बैक्टीरियल सेल में गोल्गी कॉम्प्लेक्स होगा ही नहीं, तो इसलिए ये आंसर नहीं होना चाहिए. इट इज अ प्रोकैरियोटिक सेल. सो प्रोकैरियोटिक सेल डू नॉट हैव वेल डिफाइंड ऑर्गेनेल्स. उसमें न्यूक्लियस भी वेल डिफाइंड नहीं है, है ना? तो ये ऑप्शन नहीं हुआ. यहाँ पर ऑप्शन जो है उसके बारे में जान लेते हैं. तो ऑप्शन में हमें बोला गया है कि रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया. तो उसे अगर समझ ले तो रेस्पिरेशन यहाँ पर हम सेलुलर रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं. सेलुलर रेस्पिरेशन मतलब क्या? मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म में क्या क्या आएगा? ग्लाइकोलिसिस, उसके बाद TCA साइकिल आएगी और उसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलेगी. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलने के बाद ATP का प्रोडक्शन होगा, तो हम इसे सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं. तो इसे परफॉर्म करने के लिए टू कैरी आउट द सेलुलर रेस्पिरेशन बैक्टीरिया में सेल वॉल होती है जहां पर सेलुलर रेस्पिरेशन होता है. तो ये ध्यान में रखो और सिंपल लॉजिक से क्वेश्चन की तरफ देखना सीखो कि अगर प्रोकैरियोटिक सेल है ऑर्गेनेल के बारे में पूछ रहा है तो ये ऑप्शन नहीं होगा. सो लेट्स मूव टू अनदर ऑप्शन. यहाँ पर ऑप्शन बी है गोल्गी कॉम्प्लेक्स पार्टिसिपेट्स इन फॉर्मेशन ऑफ सिक्रेटरी वेसिकल्स. तो ये काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है. देखो अगर हम यूकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर देखें तो उसमें हमें न्यूक्लियस इज देयर. न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन से जोड़ के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं. उसके बाद वहाँ पर गोल्गी कॉम्प्लेक्स होते हैं उसके लाइन में ही. जहाँ पर गोल्गी कॉम्प्लेक्स सिस गोल्गी, मेडियम गोल्गी और ट्रांस गोल्गी, ऐसे तीन पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं. तो यहाँ क्या होता है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स का एक मेन फंक्शन होता है कि जो भी प्रोटीन्स ER पर फॉर्म होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर प्रोटीन फॉर्मेशन होते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस, तो वो वेसिकल में पैक करके गोल्गी कॉम्प्लेक्स में भेजे जाते हैं. अभी गोल्गी कॉम्प्लेक्स में उस प्रोटीन पर कुछ मॉडिफिकेशंस होते हैं, कुछ शुगर्स वहाँ से रिलीज की जाती है, कुछ शुगर्स ऐड की जाती है, जिसे हम ग्लाइकोप्रोटीन बोलते हैं. ग्लाइको मतलब शुगर और प्रोटीन दोनों मिला के कुछ ग्लाइकोप्रोटीन बनाए जाते हैं. And now again these glycoproteins are packed into vesicles in this trans Golgi region. ठीक है, फिर वो पैक करके बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ भेजे जाते हैं या फिर उनका जो भी डेस्टिनेशन होगा उस वहाँ पर वो भेजे जाते हैं. तो ये Golgi कॉम्प्लेक्स का मेन फंक्शन है. तो इसलिए ऑप्शन बी में जो बताया है फॉर्मेशन ऑफ सिक्रेटरी वेसिकल्स, so this is a function of Golgi complex and this is the answer for this question. अगर हम बाकी options भी देखेंगे उसमें क्या बताया जा रहा है. हमारा option C है fatty acid breakdown. तो fatty acid breakdown के लिए mitochondria is involved. In the mitochondria there is a
लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स आर ब्रोकन डाउन एंड एसिटिल कोए इज फॉर्म्ड हियर विच इज यूज्ड फर्दर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी. इसके साथ ही पेरोक्सीसोम्स आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन फैटी एसिड मेटाबोलिज्म. ऑप्शन डी इज एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड. देखो जब प्रोटीन सिंथेसिस करना है तब अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ जोड़ के प्रोटीन की चेन बनानी है. सो फॉर दिस प्रोसेस अमाइनो एसिड हैज टू बी कैरिड टू द प्रोसेसिंग रीजन जहां पर प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है. एमआरएनए पर हमें अमाइनो एसिड लाना पड़ेगा. तो ये काम करते हैं टीआरएनए. टीआरएनए पर अमाइनो एसिड जोड़ने की जो प्रोसेस है दैट वी कॉल एज अ एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड. अटैचमेंट ऑफ अमाइनो एसिड टू इट्स ट्रांसफर आरएनए. ठीक है, तो अगर ट्रांसफर आरएनए पर अमाइनो एसिड जोड़ो और ट्रांसफर आरएनए वो अमाइनो एसिड प्रोटीन सिंथेसिस की असेंबली तक लेके आते हैं एंड दैट इज गेट एडेड ड्यूरिंग द प्रोटीन सिंथेसिस. तो यहाँ पर एंजाइम जो काम करता है दैट इज अ अमाइनो एसाइल ट्रांसफरेंस. इस प्रोसेस में टीआरएनए का रोल है, अमाइनो एसाइल ट्रांसफरेंस का रोल है एंड देयर इज अ नो रोल ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स ड्यूरिंग द प्रोटीन सिंथेसिस. गोल्गी कॉम्प्लेक्स का रोल उसके बाद आता है, प्रोटीन मॉडिफिकेशन हम बोलते हैं उसे, तब गोल्गी कॉम्प्लेक्स इज इन्वॉल्व एंड नॉट ड्यूरिंग द प्रोटीन सिंथेसिस. तो यहाँ पर इस एक्सप्लेनेशन के बाद हम कह सकते हैं कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. गॉल्गी कॉम्प्लेक्स पार्टिसिपेट्स इन फॉर्मेशन ऑफ सेक्रेटरी वेसिकल्स. हियर आई हैव कंक्लूडेड विद टुडेज वीडियो. आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर माय चैनल एंड ऑल्सो टू हिट द बेल आइकॉन. Thanks for watching.